हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी की तरफ से देखिए सीपीयू एसआई 2023 की सेकंड पेपर की आंसर की अपडेट हो गई है, और आंसर की अपडेट होने के साथ ही आपको बता दें कि मेडिकल जो है वो उसकी डेट भी बहुत जल्द आपकी आने वाली है। टेंटेटिव आंसर की आ गई है, ऑब्जेक्शन लिंक आपको दिया गया है। ऑब्जेक्शन लिंक कब से कब तक दिया है तो यहाँ पर देखिए, रिप्रेजेंटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंटेटिव आंसर की इज इफ एनी मे बी सबमिटेड ऑनलाइन फ्रॉम 11 जनवरी 2024 11 जनवरी 2024 4 PM से लेके 12 और फिर 13, यानी आपको सिर्फ 48 घंटे का समय आपको दिया है रिप्रेजेंटेशन के लिए। ऑन पेमेंट ऑफ 100 rupees पर क्वेश्चन आंसर चैलेंज रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आफ्टर 13 जनवरी 2024 4 PM विल नॉट बी एंटरटेन इन एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी 13 का आपको टेंटेटिव डेट दिया है, तो अब ये समझ लीजिए कि आपकी अपेक्षा हम कर रहे थे कि फरवरी में मेडिकल होंगे, लेकिन आपके जनवरी में ही आ जाएं तो कोई बड़ा इशू नहीं, क्योंकि मिशन मोड में भर्तियां हो रही हैं। दिल्ली पुलिस का हम देख रहे हैं कि फिजिकल जो है वो 15 से शुरू हो रहा है, हालांकि जनवरी के महीने में दिल्ली में भर्ती प्रक्रियाएं जो है वो उस पर साधारणतया नहीं होती हैं वो, और यही रहता है कि जो भी भर्ती या एडम से रिलेटेड काम है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए 26 जनवरी के बाद के लिए। लेकिन यहाँ काम बहुत जल्द हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसी महीने में आपके मेडिकल आए। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स जिनका देखिए स्कोर अच्छा बन रहा है, और इस बार फिजिकल में काफ़ी कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, तो रीज़न उसका यही था कि टाइम नहीं मिला फिजिकल की तैयारी के लिए। मेडिकल में भी वेट का एक बड़ा इशू आता है। हमारे पास मंडे से कैंडिडेट्स आ रहे हैं सीपीओ के, और वेट का इशू है उनका। रीज़न यही है कि फिजिकल एक्टिविटी होने के बाद किसी तरह का फिजिकल नहीं कर रहे हैं और वेट बढ़ गया, क्योंकि जो कम किया था फिजिकल के टाइम पे वो अब बिल्कुल ही जंप मार गया, तो वेट का इशू है। टैटू यदि आपको है, स्कोर अच्छा बन रहा है, तो देखिए एक बार कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवा के देखें, इससे आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाता है। कोई आप ट्रीटमेंट लेना है वो ले सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि स्मार्ट वर्क करके आप क्लियर कर सकते हैं। कलर परसेप्शन CP4 है, प्रैक्टिस से आपका CP3 हो जाता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको जरूरत है उसकी, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। जहाँ आप मैथ रीजनिंग GS इंग्लिश ये सब आप करते हैं, उसी तरीके से वो ब्रेन मॉपिंग भी वही टेक्निक वहाँ लगती है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और इन कैंडिडेट्स का अच्छा स्कोर आ रहा है उनको यही कहना चाहेंगे कि अपना मेडिकल की तैयारी रखें। जय हिंद।